टेस्टी सी कपकेक की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले एक कप लेंगे थोड़े बड़े आकार के, उसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे। साथ में यहाँ पर मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, डालने से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ में 2 चम्मच मैं पिसी हुई चीनी ऐड की हूँ और 1.5 बड़े चम्मच कोको पाउडर, इसके बिना तो केक कंप्लीट ही नहीं होगी। और यहाँ पे ये 1/4 स्पून है, इसकी आधा यानी 1/8 स्पून हमें बेकिंग पाउडर डालना है, तो वो मैं डालूँगी 1/4 का हाफ, और 1 पिंच सोडा। ये सब डालने के बाद एक फोक की सहायता से अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्सिंग करनी है हमें। अब यहाँ पर 4 टेबल स्पून मिल्क डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लम्स फ्री, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। थोड़ी सी वेनिला एसेंस डालेंगे, यदि आपके पास है तो डाल सकते हैं, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। आज मैं ये केक 2 तरह से आपको बना सकते हैं, इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, और यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे कढ़ाई या किसी पतीले में भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बस जिस तरह की मैं दिखा रही हूँ गोल बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ी न ज़्यादा पतली। ओके, और ये डार्क चॉकलेट की थोड़ी सी मैं टुकड़ों में इसे कर ली थी, यदि आप चाहें तो थोड़ी सी एक बड़ी सी डार्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास डार्क चॉकलेट ना हो तो आप डेयरी मिल्क या और कोई भी चॉकलेट डाल सकते हैं इसमें, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास है तो डालिए, नहीं है इसे माइक्रोवेव पे हाई पे 2 मिनट के लिए रख दीजिए, ये बहुत अच्छी तरह से केक आपकी रेडी हो जाएगी। चलिए मैं आपको कढ़ाई में कैसे बनाते हैं बता। एक कढ़ाई मैं गैस पे रखूंगी, उस पे ये सॉल्ट डाल रही हूँ, ये सॉल्ट मैं पहले भी केक में यूज़ कर ली थी इसीलिए इसका कलर थोड़ा चेंज है। सॉल्ट को मैं अच्छी तरह फैला दूंगी, और एक कोई भी इस तरह की प्लेट रख के आप इसे प्री हीट कर लीजिए पहले। जब ये कढ़ाई प्री हीट हो जाए, ढक्कन बहुत अच्छी तरह से फिक्स होनी चाहिए, तो जो कप जो मैं लिक्विड डाल करके रखी थी उसे मैं अंदर डाल करके 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूंगी। और देखिए 25 मिनट बाद ये केक हमारी रेडी है। हाँ, कुछ बातों की ध्यान रखिएगा, जब भी आप कढ़ाई में कप रखें तो एक बार ज़रूर चेक कर ले कि कप रखने के बाद कढ़ाई की ढक्कन बहुत अच्छी तरह फिक्स होनी चाहिए। और ये देखिए, ये डिलीशियस टेस्टी सा केक आपका रेडी है, आप इसे स्पून से गरम गरम खा सकते हैं।